गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। बच्चों, आज हम हिंदी वर्कबुक में ड ड से डमरू ये लिखना सीखेंगे। ड से डमरू इसे बनाना सीखेंगे। ड लिखने के लिए बच्चों सबसे पहले स्लीपिंग लाइन हम ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद स्टैंडिंग लाइन छोटी सी, फिर इस साइड लेफ्ट साइड एक लाइन को टर्न करके ले आते हैं एक हाफ सर्कल जैसा, और उसके बाद उसी को आगे राइट साइड से टर्न करते हैं नीचे लाके, और यह ब्लू लाइन पे टच करते हैं और इस तरह से थोड़ा आगे बनाते हैं। ये बनता है डे, डे से डमरू। ओके, चलिए इन डॉट्स को ट्रेस करते हैं। ड स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट हाफ सर्किल, सेकेंड हाफ सर्किल, और इस तरह से ड बन गया। ड से डमरू, इन्हें ट्रेस करते जाएंगे हम, साथ साथ में हम पढ़ते भी जाएंगे, रीड भी करते जाएंगे। ड ड से डमरू, ड ड से डमरू, ड ड से डमरू, ड से डमरू, ड से डमरू, ड से डमरू, ड से डमरू। ठीक है बच्चों, अब ये विदाउट डॉट्स वाले भी हम लिखेंगे। स्लिपिंग लाइन छोटी सी, स्टैंडिंग लाइन बिल्कुल बीच में सेंटर में बनाते हैं, फिर इस साइड थोड़ा इस तरह से लाइन टर्न करते हैं, फिर दूसरी साइड और इस तरह से ब्लू लाइन पर लाके टच करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ये बनता है ड, ड से डमरू, 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 ड से डमरू। इस तरह से बनाना है बच्चों, जैसे हम छोटी सी इमली बनाते थे उस तरह से बनाना है। बस इसको अंदर की तरफ टर्न नहीं करते हैं, ठीक है। छोटी सी इमली को अंदर मोड़ के टर्न करके लाते थे, इसको बस यहाँ से ब्लू लाइन पर टच करके छोड़ देते हैं, ठीक है। ड, ड से डमरू, ड से डमरू, ड से डमरू। फाइन बच्चों, चलिए नेक्स्ट है हमारा अगला अक्षर है ड, ड से ढक्कन, ड से ढक्कन, ठीक है। ये ढक्कन है, इसको कैसे बनाएंगे बच्चों देखिए। स्लिपिंग लाइन हमने की, यहाँ से थोड़ा पीछे से हमने एक स्टैंडिंग लाइन की छोटी, उसको फिर हम हाफ सर्किल बनाया हमने, इसको घुमा के ले गए और एक हाफ सर्किल ड्रॉ किया, और उसको अंदर ला के थोड़ा सा टर्न कर देते, अंदर ला के गोला, छोटा गोला बनाते, इस तरह से मोड़ देते। तो ये बन जाता है बच्चों ड, ड से डमरू, सॉरी ड से ढक्कन, ठीक है बच्चों। चलिए इस तरह से ड से ढक्कन, ड से ढक्कन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, एक हाफ सर्किल आपको बनाना है जो लेफ्ट साइड बनेगा, जैसे हम ट लिखते थे, ट से टमाटर की तरह बनाना है, और पर उसको अंदर ले जाके ऐसे मोड़ देना है। तो ये बन जाएगा ड से ढक्कन, ड से ढक्कन, इस तरह से अंदर लाके अंदर की तरफ मोड़िए, थोड़ा सा अंदर घुमाइए और छोटा गोला बनाइए। तो ये बन जाएगा ड से ढक्कन। पहले आपको ट टमाटर की तरह बनाना है और अंदर की तरफ लाके इसको टर्न करना है। तो ये बन जाएगा ड से ढक्कन। ड से ढक्कन, ड से ढक्कन, ड से ढक्कन। अब देखिए नीचे भी विदाउट डॉट वाले भी ट्रेस करेंगे बच्चों, इसे देखते जाइए। सॉरी, देखिए स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और नीचे लाके इस तरह से
टर्न कर दिया। आपको ट से टमाटर की तरह हाफ सर्किल बनाना है और अंदर ले जाके उसको मोड़ देना है। ड से ढक्कन, ड से ढक्कन, ड से ढक्कन, ड से ढक्कन। आपको बोल बोल के बच्चों इस तरह से रीडिंग करते हुए साथ साथ में लर्न करना है, बोल बोल के आपको ये लिखना है। ड से ढक्कन, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट आ गया अणे खाली। नेक्स्ट पेज पे बच्चों आपका दिया है अणे खाली। ये अणे खाली लिखेंगे बच्चों, इसके लिए अणे खाली, इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्लिपिंग लाइन, उसके बाद यहाँ से थोड़ा आगे से हम एक लाइन को ऐसे टर्न करते हुए ले जाएंगे नीचे और वापस से इसको घुमा के ऊपर लाएंगे। इस तरह से ऊपर वाली लाइन पे टच करेंगे और इसके आगे थोड़ा सा दूर इसके आगे एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपका अणे खाली, अणे खाली, ठीक है बच्चों। देखते जाइए ध्यान से, इन डॉट्स पे ट्रेस करते जाएंगे, हम डॉट्स पे पेंसिल चलाते जाएंगे, लिखते जाएंगे और साथ साथ में इसको बोलते जाएंगे अणे खाली। क्या बोलते हैं इसे, अणे खाली, 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 ठीक बच्चों। अब ये विदाउट डॉट्स वाले बना रहे हैं स्लिपिंग लाइन, यहाँ से आपने स्टार्ट किया और इस तरह से बनाया। सॉरी, अणे खाली, अणे खाली, अणे खाली, अणे खाली। इसे ब्लू लाइन से थोड़ा ऊपर रखना है, ठीक है। ये जो गोला बना रहे हो इसको ब्लू लाइन पे टच नहीं करना है, इसे थोड़ा ऊपर रखना है और जो स्टैंडिंग लाइन है इसको टच करना है, इसको ब्लू लाइन पे लाके ऐसे टच करना है, ठीक है। अणे खाली, 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 ठीक है बच्चों। ये अणे खाली ये वाला कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम हमारा अभ्यास करेंगे। नीचे अभ्यास दिया है आपके, एक्सरसाइज दिए, इसमें दिया है बच्चों के चित्र पहचान कर पहला अक्षर लिखो, ठीक है। आपको दोनों साइड ये चित्र दिए हैं, इन चित्रों को ढंग से पहचानिए और इन्हें जो बोलते हैं, जो हम इसका नाम होता है, जो इनको बोलते हैं इनके नेम, जो उसका पहला अक्षर, उसका जो फर्स्ट अक्षर होता है पहला अक्षर, वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे बच्चों ये चित्र दिया है टमाटर का, ठीक है। किसका डायग्राम है, टमाटर का। टमाटर को हम कैसे बोलते हैं, टमाटर है, तो पहला अक्षर क्या हो गया, ट, ओके। तो यहाँ पहला अक्षर लिखेंगे, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और पूरा एक हाफ सर्कल इस तरह से बनाएंगे, तो बन जाएगा ट, ट से टमाटर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ठटेरा, ये डायग्राम ठटेरे का है, तो हम लिखेंगे ऐसे स्लिपिंग लाइन, बीच में से स्टैंडिंग लाइन छोटी और फुल एक सर्किल बनाएंगे, पूरा गोला खींचेंगे, तो ये बन जाएगा ठ, ठ से ठटेरा। नेक्स्ट है बच्चों डमरू, तो ड से डमरू होता है, जो अभी हमने आज लिखा था स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और इस तरह से ड, ड से डमरू, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों डायग्राम ड से ढक्कन, ठीक है। कैसे बनाएंगे, इस तरह से, उसके बाद हम यहाँ से एक लाइन लेंगे और ट से टमाटर की तरह हाफ सर्कल बना के उसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे, ठीक है। अंदर की तरफ मोड़ेंगे, वो बन जाएगा ड से ढक्कन। बच्चों ये है ऊ से उल्लू, छोटा ऊ, ओके, छोटा ऊ से उल्लू। इसके लिए हम स्लिपिंग लाइन, फिर फर्स्ट हाफ सर्कल इस साइड,
सेकेंड हाफ सर्किल और इस तरह से थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, ये बन जाएगा छोटा उसे उल्लू। और ये है बच्चों घ से घड़ी, घ स्लिपिंग लाइन एक इस तरफ इस साइड लेफ्ट साइड हाफ सर्किल, सेकेंड हाफ सर्किल उसे ऊपर ले गए और एक स्टैंडिंग लाइन से उसे जोड़ दिया, ये बन गया घ से घड़ी। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ड से डमरू, ड से ढक्कन यानी खाली और ये अभ्यास ये एक्सरसाइज कंप्लीट की। ठीक है, आप भी अपनी वर्कबुक में ये सब कंप्लीट करना, बोल बोल के लिखना और अच्छे से प्रैक्टिस करना बनाने की। फाइन, थैंक यू।